हेलो फ्रेंड्स, जेकर तुसी अपने दुआ दे DVR नू या NVR नू कंप्यूटर दी स्क्रीन उपर देखना चाहते हो तां सारे नू पहला अपने DVR दे मेन मेन्यू दे विच जाना है। नेटवर्क टैब उपर क्लिक करना है। मेक श्योर कर लेना है कि TCP/IP सैक्शन दे विच DHCP बटन इनेबल होवे ते P2P सैक्शन दे विच इनेबल बटन ऑन होवे ते इस जगह दे उपर ऑनलाइन स्टेटस शो कर रहा होवे। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ DVR ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ स्मार्ट PSS। इस लिंक को ओपन कर लेना है। इस तो बाद जेकर तुहाडा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इस लिंक ऊपर क्लिक करना है ते फाइल नू डाउनलोड कर लेना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने तो बाद फोल्डर नू ओपन कर लेना है ते फाइल नू एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस तो बाद सॉफ्टवेयर नू इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल बटन ऊपर क्लिक कर देना है। रन स्मार्ट PSS ते टिक करके फिनिश कर देना है। इस तो बाद इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड रख लेना है ते नेटवर्क नूं अलाउ कर देना है। इस तो बाद ऑटो लॉगिन नूं टिक करके नेक्स्ट कर देना है ते सिक्योरिटी क्वेश्चन दे आंसर फिल कर देने हैं, फिनिश कर देना है। इस तो बाद सॉफ्टवेयर ओपन होने तो बाद अपने DVR की स्क्रीन ऊपर जाके टेस्ट करना है कि DVR की IP की चक्की हुई है। नेटवर्क सेटिंग विच जाना है DVR की, ते TCP/IP सेक्शन में जाके इस जगह के ऊपर क्लिक करना है। DVR की IP 192.168.0.100 है ते सॉफ्टवेयर के विच जाना है स्मार्ट PSS। इस बाद सर्च बटन ऊपर क्लिक करना। इस IP नु सिलेक्ट करके ऐड बटन ऊपर क्लिक कर देना है ते ओके कर देना है ते DVR दा यूजर नेम ते पासवर्ड फिल कर देना है। इस तो बाद ओके बटन ऊपर क्लिक कर देना है ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ DVR ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DVR ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। लाइव व्यू बटन ऊपर क्लिक करना है। इस तो बाद जेकर तुसी इस DVR दी प्लेबैक चेक करना चाहते हो तो प्लेबैक बटन ऊपर क्लिक करना है ते कैमरे नू सिलेक्ट कर लेना है जेड़े कैमरे दी तुसी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो ते सर्च बटन ऊपर क्लिक कर देना है। इस तो बाद प्ले बटन ऊपर क्लिक कर देना है।
इस तरीके दे नाल तुसी DVR दी पुरानी रिकॉर्डिंग भी इस सॉफ्टवेयर दे विच देख सकते हो। इस तरह दियां होर वीडियोज़ नू देखने दे लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो।